मॉर्निंग जी, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज इतनी भागम भाग चलिए सुबह से, इतने सारे काम है ना मुझे। सबसे पहले हम जा रहे हैं हॉस्पिटल हर्षित की आई चेक करवाने के लिए, और अभी का आज का अपॉइंटमेंट दिया है। देखते हैं डॉक्टर साहब मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन विजन इसका डेफिनेटली चेक करेंगे और साथ के साथ इसका चश्मा भी बनाने के लिए देंगे। फिलहाल निकलते हैं, और कल मेरे साथ क्या हुआ था वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली। मुझे ना गैस चूल्हा लेना पड़ेगा, कल बहुत बड़ा कांड होते होते रह गया था। फिलहाल निकलते हैं, हॉस्पिटल पहुँच के ही मिलती हूँ आपसे। तो गाइज, फाइनली हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल के पास। ये रहा हॉस्पिटल। आज ना यहाँ पे ज़रा भी भीड़ नहीं है, और मुझे डाउट है कहीं आज भी हमारा काम ना हो। कोशिश तो है कि आज हमारा काम हो, तो अभी देखते हैं। कल जब हम आए थे ना, मतलब प्रीवियस व्लॉग में जो आपने देखा, तो यहाँ पे ना बाहर इतने सारे लोग चल रहे थे, गाड़ियों की लाइन लगी थी। आज यहाँ पे ना गाड़ियों की लाइन है और ना बंदे बैठे हैं वेटिंग में। वो वाला जो एरिया ना अंदर, वहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे हुए थे, लेकिन आज यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे लगता है आज काम होगा नहीं होगा, गॉड नोज, पर कोशिश तो है कि हो जाए। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है। वेटिंग एरिया तो यहाँ काफ़ी अच्छा है, खुला ढुला सा। देखो कितना सारे बेंचेस लगे हैं, लेकिन आज ना ये देखो अंदर से माहौल। हर्षित, तो गाइस ये देखो, ये बन गई है पर्ची, और एक नंबर है ये। यहाँ पे होती है आई चेकअप, वहाँ बैठना पड़ेगा तुझे, लेकिन अभी यहाँ कोई भी नहीं है। चलते हैं वापस। तो गाइस फाइनली आज हमारा काम हो गया, हर्षित की आई चेक करवा दी है और चश्मा भी बनाने के लिए दे दिया है। अभी 9 बजे हैं, आधे घंटे में फ्री हो गए, 8:30 निकले थे हम घर से। आज का दिन थोड़ा सा अच्छा है, और विजन चेक करने के लिए जो यहाँ पे अलग स्टाफ रहता है, मतलब डॉक्टर लोग नहीं करते हैं विजन चेक, डॉक्टर सिर्फ चेकअप करवाते ही। आगे शायद डॉक्टर साहब की गाड़ी मुझे लग रहा है, क्योंकि नीचे दोनों की गाड़ी आती है, डॉक्टर लोग होती है। तो गाइज फाइनली हॉस्पिटल से बाहर निकल के गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, और आज यहाँ पे ना के बराबर रश है। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा ना, तो यहाँ पे आगे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। आज 2 से 3 गाड़ियाँ लगी हैं और कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। बहुत कम पेशेंट थे आज, क्योंकि आज ऑपरेशन डे है भाई। सब लोगों को पता होता है कि आज नहीं जाना है। आज से वहाँ पे जो बंदे बैठे थे ना, वो सिर्फ थे चेकअप वाले, लाइक जिनका ऑपरेशन हो चुका है और जिनको आज ऑपरेशन करना है, ऐसे ही मुझे मिले थे बहुत सारे लोग। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा काम हो चुका है, और मुझे वरना बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि खाली खाली देख के भी परेशानी होती है और भरा भरा देख के भी परेशानी होती है। तो आज हर्षित की आई चेकअप हो चुकी हैं। ना तो इसका नंबर बड़ा है ना इसका घटा है। जिन्होंने इसका विजन चेक करा ना, वो ये कहते कि खुशी की बात है, ना नंबर घटा ना नंबर बढ़ा है। लेकिन वो एक और बात भी कह रहे थे कि ड्रॉप्स डालने से अगर आप आई चेकअप करते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन उससे 3 दिन तक जो है ना ब्लर नज़र आता है। तो इसका स्कूल है, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकती, क्योंकि 3 दिन इसका स्कूल एबसेंट और पढ़ाई लिखाई कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हमने क्या डिसाइड किया है, चश्मा फिलहाल बनाने के लिए दे दिया है। लंच में आके मैं चश्मा यहाँ से लेकर जाने वाली हूँ, और फिलहाल मैं यहाँ से सीधा जाऊँगी बुटीक ओपन करके, फिर अपना स्कूल के बाद 1 बजे। क्या ये बीच में कौन छींकता है? आने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, हाँ फिर मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने नहीं, पहले मैं सीधा आऊँगी यहाँ पे चश्मा लेकर, फिर लंच पे जब मैं आऊँगी ना, फिर खाना वाना बना के फिर जाऊँगी वापस फाइनली बुटीक। आज का दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, थैंक गॉड कि मेरे पास कार है, लेकिन ये कार भी जाने ही वाली है। ये सर्विस कराने के लिए हो गया ना, यहाँ देखो 97 कहाँ है, 97,690 चल पड़ी है ये। इसकी मतलब मोटे वाली सर्विस होनी है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं इसकी सर्विस कराऊं। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, भागम भाग बहुत। अच्छा हाँ, मुझे गैस चूल्हा लेना है। आपको मैं कल की अगर बात बताऊँ ना, कल हर्षित क्या बना रहा था, चाय बना रहा था मेरी, जब मैं बुटीक से आई तो ये बोल रहा था कि मम्मा छोटे वाला चूल्हा ना जल ही नहीं रहा है, क्यों नहीं जल रहा। और मैं परेशान होगी कि इसको, उस पर गुस्सा कर रही थी, पूरी माचिस फूंक दी इसने। और जब मैंने देखा ना कि क्यों नहीं जल रहा था, और देखा कि वो बहुत कम गैस पकड़ रहा है, वो मुझे लगा सिलेंडर खत्म हो गया। और मेरा एक ऑलरेडी सिलेंडर खाली पड़ा, और मैं कहीं ये भी खत्म हो गया, ऐसा तो होता नहीं। 2 महीना मेरा सिलेंडर नहीं चलता, मेरा मैक्सिमम 4-4.5 महीने सिलेंडर चल जाता है, गर्मियों में तो खूब चलता है। और फिर मैंने देखा हुआ क्या, फिर देखा बड़े वाला चूल्हा तो जल रहा है, सिलेंडर देखा उसमें भी थोड़ा हैवी है, गैस है, देखा तो उसके इतना सा पाइप टूट गया है नीचे वाला, मतलब जो गैस पाइप से बर्नर के लिए जो कनेक्शन होता है ना, छोटी सी लोहे की पाइप, वो जंग खा के गिर गई थी नीचे को।
अब वो एक ही बर्नर जल पाएगा उसका बड़े वाला, तो मैं सोच रही हूँ आज एक गैस चूल्हा भी ले लूँ। इतने सारे काम है एक अकेली नन्ही सी जान पर। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था कल, क्या ये बताऊँ मैं। बड़ी फैमिली होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि काम जो है ना थोड़े थोड़े बंट जाए। अब मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड जी वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, काम इतने सारे सर पे आ गए मेरे, इधर से स्कूल इधर से बुटीक में, तो सोचूँ 4-6 दिन छुट्टी गई, हिमालय पर्वत पर ठंडे ठंडे में चली जाऊँ। वो देखो वो पहाड़ी है ना, वहाँ पर जो जाली बिछा रखी है, ऐसे बगीचों में बैठ के आराम से तपस्या करूँ। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, मस्त वाला मौसम है अभी, ठंडा ठंडा सा, इससे पहले कि गर्मी बढ़े। लेट्स गो। स्टील वाला कितने का है? बहुत बड़ा तो नहीं? मार्बल है क्या चीज़ है? और उसमें कलर का फर्क है बस, और वो स्टील वाला की। तो ये वाला देख रही हूँ मैं, गैस चूल्हा एक बार खोल के दिखाओ तो कैसा है। शॉक तो मुझे पहले से, ये वाला पाइप निकल गया उसका, यहाँ से यहाँ के लिए होता ना, इसमें तो थोड़ा अलग से है ना ये बना हुआ, इसको यहाँ से उसमें थोड़ा अलग होता है ये ना, गिर के ये वाला जैसे ये होता बड़ा सा पाइप नीचे गिर गई थी। लेकिन इसमें ये क्या क्या चीजें हैं भैया, ये बड़ा अलग ही। ये ऑटो वाला है, ये इसके वो है बर्न ऊपर रखने वाले हैं, है ना तीन। अच्छा इसमें कलर दिखा दो, इसको सही करो, मैं यही ले जाऊंगी वाला ना। शौक तो था मुझे पहले से कि तीन बर्नर वाला ले लेती हूँ। चलो फिलहाल अब तो चार वाले भी आते हैं, इतनी स्पेस ही नहीं है भाई। बहुत टाइम से मुझे शौक था कि मार्बल वाला, लेकिन हमारी किचन की स्लैब ना थोड़ी छोटी है, तो ये तो आ ही जाएगा तीन वाला। प्लास्टिक गाइज फाइनली देखो चूल्हा मैंने ले लिया है, तीन बर्नर वाला लिया जिसका मुझे वैसे ही शौक था, तो शौक मेरा कैसे पूरा हुआ है। गाड़ी में रखवा देती हूँ, उसके बाद अब निकलती हूँ फाइनली। थैंक यू भैया। अच्छा आप जाओ, मैं चली, ठीक है आप जाओ, बॉटल मेरे लिए है तुझा, ठीक है बाय बाय। तो गाइस होने एक हो चुका है और बच्चे हमारे लगभग हो चुके हैं फ्री, ये रहे हमारे मैडम जी, और बच्चे अभी फ्री हैं, थोड़ा सा खेल रहे हैं। लंच वंच सब हो चुका है, गर्मी इतने बुरे हाल है ना, अभी हवा चली है थोड़ी बहुत ना, ये देखो पेड़ हिलते नज़र आ रहे, थोड़ी बहुत हवा चली है अभी। मैंने अभी जस्ट टेम्परेचर चेक किया था, 34 डिग्री है इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर, वो भी हवा चलने की वजह से, और मैं श्योर हूँ कि 38 तक तो पक्का रहा होगा सुबह के टाइम, जो कि 12 बजे, 12 बजे रहा होगा, क्योंकि अभी भी जस्ट हवा चलनी स्टार्ट हुई ना। ये देखो पेड़ हिल रहे हैं, इतनी भयानक गर्मी है ना, बस नींद ही आ रही है, ऐसा मन कर रहा है इस टेबल पर लुढ़क के मैं सो ही जाऊँ, और बाल वाल बिल्कुल बांध दिए मैंने, रैशेज हो रहे हैं, इचिंग हो रही इतनी ज़्यादा ना, ये फैन भी काम नहीं कर रहे। आज हमने वो वाला फ़ैन भी लगा दिया, टेबल फैन और एक ये वाला फ़ैन है, दो फैन से भी बात नहीं बनती है, इतना इतना साउंड करते हैं बच्चे। ये देखो बच्चे हमारे खेल रहे हैं, बच्चों को नींद लगी है, तो अब थोड़ी देर में ही निकलूंगी मैं, हर्षित को बुलाऊंगी ऊपर तक रोड तक, फिर जाएंगे सीधा भद्राज लेकर आएंगे उसका चश्मा, क्योंकि मुझे फ़ोन आ गया था उनका कि चश्मा बन चुका है, चश्मा लेकर घर घर का खाना बनाएंगे खाएंगे, फिर जाकर रोटी करके रेस्ट, फिर आऊँगी 3 बजे इधर। आज निर्जला एक आलसी है, ओ थैंक यू सो मच। क्या चीज़ है ये वैसे? ये जी हमने ठंडा बनाया है आप लोगों के लिए, नींबू और मैंगो फ्लेवर। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। आज निर्जला एक आलसी, सब जगह इस तरह से धूप फिरने को मिल रहा है। This is रू अफ़ज़ा। आगे हमें मिला था नींबू पानी और ये रू अफ़ज़ा। अरे बाबा जी, oh my God। शीशा साफ करा डाला। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल के पास में ही, और आज जहाँ भी एक स्टेशन है स्टॉपेज है वहाँ पर निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में ना सब लोग पानी नींबू पानी रू अफ़ज़ा वगैरह पिला रहे हैं, तो अभी तो मीठा मीठा हो गया मुँह मेरा और भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। कभी रू अफ़ज़ा कभी फ्रूट चाट वगैरह कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, लेकिन फ्रूट चाट तो नहीं मिली ना, मिलती तो डेफिनेटली खा ही लेती। रू अफ़ज़ा से और नींबू पानी से पेट भर गया, और फाइनली देखिए पहुँच गई हूँ मैं हॉस्पिटल, फटाफट से चश्मा लेते हैं और फिर निकलते हैं। इतनी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है ना आज, बर्फ़ वाला पानी पिला रहे हैं लेकिन बर्फ़ का ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा है। ये रही पर्ची, ये रहा चश्मा, चलते हैं वापस। लगभग आज फाइनली काम हो गया है, अब घर की तरफ निकलते हैं, फटाफट से पुलाव बनाऊंगी। आज सुबह तो इतना मूड ऑफ था ना मेरा, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से गैस चूल्हा भी नहीं चल रहा, और वहाँ पे देखो जाम लग गया,
निर्जला एकादशी करके ना सभी गाड़ियों को रोक रहे हैं, और इसी वजह से जगह जगह देखिए पानी में। और बाबा जी ने मेरी गाड़ी भी साफ कर दी लगे हाथ। तो गाइज ये देखिए, ये है हर्षित का न्यू लुक और नया चश्मा। कैसा फील हो रहा है आप हर्षित? बढ़िया। पहले पुराना चश्मा दिखा दो। नया हो रहा है इसका पुराना चश्मा और ये नया चश्मा। और मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। शाम को तो पता नहीं मैं ब्लॉग बना पाऊँ कि नहीं। मेरा पुराना चूल्हा और नया चूल्हा हर्षित को मिला नया चश्मा, मुझे मिला नया चूल्हा। ये देखिए इसका नहीं दिख रहा है, सेम सेम दोनों से। इन दोनों के लेंस एकदम सेम है ना, इसलिए पहले से देखते हैं। सब जगह बढ़िया दिख रहा है, मतलब समझ सब कुछ आ रहा है कि क्या क्या लिखा है, लेकिन हल्का सा जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम आ रहा है, ग्रेस सा आ रहा है दिख रहा है। वो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि इसके लेंस दो साल से घिस भी तो गए हैं। और इससे देखिए एकदम ब्लैकिश बढ़िया दिख रहा है, हर एक कलर एकदम डीप दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। जैसे मोबाइल की स्क्रीन खराब हो जाती है थोड़े थोड़े दिनों में कैमरा खराब हो जाता है। खुश बढ़िया हैप्पी आप?